इस बार देव उठावनी एकादशी पर मैंने अपने लिए खूबसूरत से विष्णु जी और लक्ष्मी जी मंगवा, ये अब से हमेशा मेरे पास मेरे ऑफिस के डेस्क पर रहेंगे। पर देव उठावनी का मतलब क्या है? 4 महीने से आपने देखा होगा कि विष्णु जी की पूजा नहीं हो रही है, माँ लक्ष्मी की पूजा गणेश जी से हो रही है, दुर्गा माँ की पूजा हो रही है, राम जी की पूजा हो रही है, पर विष्णु जी की पूजा नहीं हो रही है। तो विष्णु जी इस समय शयन पर जाते हैं, लेकिन देव उठावनी एकादशी पर ये उठते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें सनराइज से पहले उठना चाहिए ताकि ये उठे और इनकी नजर हम पे पड़े। अपने घर के कोर्टयार्ड पर या तुलसी के पौधे के पास विष्णु जी की एक स्क्वायर बनाकर चरण बनाइए। स्क्वायर इसलिए बिकॉज इट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ कंप्लीशन। इनको नारियल और साथ साथ तुलसी का भोग लगाइए और माँ लक्ष्मी को रेड थिंग जैसे अनार और कमल के फूल का आप उनको अर्पित कीजिए। विष्णु जी इज लॉर्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन, चीजों को कंप्लीट करना, मैनिफेस्ट करना, ये इनके हाथ में इनकी पावर है। तो जब आप इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, इनके चरण घर में बनाते हैं, तो आपकी रुकी हुई चीजें कंप्लीट होने लगती हैं। मैनिफेस्टेशन की पावर आपके घर में, आपके एनर्जी फील्ड में, आपके खुद के अंदर आती है। तो इस दिन को बहुत अच्छे से और खूबसूरती से सेलिब्रेट कीजिए।